ताया सरकार भी आपकी तरह जज्बाती होकर सारी बात खानदान वालों के सामने रखते तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही। मोहब्बत में जितनी कुर्बानियां देनी थी तुम दे चुकी हो, अब मेरी बारी है। सरकार वो बीबी मुर्शिद, उन्हें मैं वक्फे वक्फे से मनाता रहूंगा। नूरा, ये छोटे सरकार को अंदर लेकर जाओ और आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर हर किसी से मिलवाने मत लाया करना। गुड्डी, मैं तुम्हारे लिए हर एक हूं। इतनी बदतमीजी की तुमने उनसे, कितना दुख हुआ होगा ना उन्हें। अगर मैं उनसे मोहब्बत करने बैठ गई ना अम्मा, तो आपके हाथों मेरी वाहिद मोहब्बत भी चली जाएगी। अगर आपको हमारी परवाह नहीं है तो अब हम भी आपकी कोई परवाह नहीं करेंगे। आपको आपका वारिस मुबारक, अब आपका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और प्लीज आप भी अब हमसे राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी माँ को आपके पैसों की जरूरत नहीं है तो हर महीने पैसे देने मत आया कीजिए। ओ बेदर्दी, ओ बेदर्दी, ओ बेदर्दी, दर्द न जाने, दर्द न जाने, सावन अम्मा सरकार आप कहीं जा रही हैं? हाँ, लखी महल जा रही। पर क्यों? कितने दिन यहाँ रहूंगी? रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें देखकर मैं छुप जाती हूँ। आपको रिश्तेदारों की नहीं बल्कि बाबा सरकार के अकेले जाने का दुख है। हो सकता है, ऐसे ही समझ लो। अम्मा सरकार, अगर आपको यही सब कुछ करना था तो लखी महल छोड़ने का कदम उठाया ही क्यों? क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि साईं के इस तरह मिले बगैर जाने पर मेरा दिल यूं हलचल मचा देगा। अम्मा, क्या हैसियत रहेगी वहां पे आपकी? कोई तो हैसियत होगी ना, तभी तो साईं हर महीने मुझे लेने आते। Oh,
सब कुछ खो के भी इसे पा लेना घाटे का सौदा नहीं है। मलका, मैं खानदान वालों के सामने भी इसे अपना बनाना चाहता हूं। हम बहुत जल्द लक्की महल चलेंगे, वहां मैं खानदान वालों के सामने तुम्हारे और अपने रिश्ते का ऐलान करूंगा। हमें अभी लक्की महल चलना होगा। लेकिन हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। हमें फिर भी जाना है इसी वक्त, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। मैं जानता हूं कि आप सब यहां जमा होने की वजह जानने के लिए बेताब हैं। आज जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद उसके बाद आप मुझसे रिश्ते नाते खत्म कर दें। अम्मा सरकार, बाबा जी ने पूरे खानदान को दावतनामा भिजवाकर लक्की महल बुलवाया है, लेकिन हमें ही नहीं बुलाया। आखिर क्यों? कहीं बाबा जी ने हमसे ताल्लुक तो नहीं खत्म कर दिया? शायद मलका को बेटा पैदा हो गया है ना, तो आज सारे खानदान को बुलाकर वो उसे अपना वारिस बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? बाबा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फोन मिलाओ साईं को। क्या हो? बाबा फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, हमें अभी लक्की महल चलना होगा। लेकिन हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। हमें फिर भी जाना है इसी वक्त, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए।
अरे मेहरबानों शहरबानों, ये किस किस्म की दावत है? तमाम मेहमान मौजूद हैं और मेजबानों का कुछ पता ही नहीं है। ये जश्न है किस खुशी में? आखिर ऐसा क्या हुआ है? मुरीदनी है ना? जिसे पीर बख्त ने अपनी पनाह में लिया था? आप सबके यहाँ जमा होने पर आपका शुक्रगुजार हूं। हो सकता है कि ये लकी महल की आखिरी दावत हो। हो सकता है कि आज के बाद आपका और मेरा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर ये ताल्लुक खत्म करने से पहले एक बात याद रखिएगा, कि मैंने ये ताल्लुक जोड़े रखने के लिए बहुत भारी कीमत अदा की है। और तकलीफ का वो एक एक लम्हा बरसों पर मुहित था। मैं जानता हूं कि आप सब यहां जमा होने की वजह जानने के लिए बेताब हैं। आज जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद उसके बाद आप मुझसे रिश्ते नाते खत्म कर दें। पहेलियां ही बुझवाते रहोगे? क्या बताओगे भी हमें कि हमें यहां किस लिए बुलवाया है? मलका मेरी पहली बीवी है। आज इस जगह इस मकाम पर मुझे और मेरी बीवी को और मेरी तमाम तर हकीकतों को कबूल करने वाला अगर यहां रुका
तो मैं समझूंगा कि वो ही मेरे साथ है। पहेलियां ही बुझवाते रहोगे या बताओगे भी हमें कि हमें यहाँ किस लिए बुलवाया है? मलका मेरी पहली बीवी है। और ये मेरा बेटा, मेरा वारिस है। पीर अहराम की बीवी मुरीदनी नहीं, मेरी बेटी है। मलका के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब ना मैं इसके साथ कोई ज्यादती खुद करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। मैं अपनी जायदाद में से अपनी दोनों बेटियों को उनका शरई हक दूंगा। लकी महल बीबी शहरबानो के नाम है और मलका को मैं लाहौर में रखूंगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। इसे जानने के बाद जो मुझे और मेरी बीवी को कबूल करेगा, मैं उसके लिए वैसा ही पीर बख्शुभान हूं, और जब मुझसे नफरत करके छोड़ देगा, बखुदा मैं उसे भी याद रखूंगा। मुझे अपने खानदान से बेहद प्यार। इस खानदान की बाग डोर मैं पहले ही सोले के हाथ में दे चुका हूं। मुझे आप लोगों से सिर्फ आपकी कभी कभी की मुलाकात चाहिए होगी, जो कि आपके चेहरों को देखकर लगता है कि शायद अब मुमकिन ना हो। आज इस जगह, इस मकाम पर मुझे और मेरी बीवी को और मेरी तमाम तर हकीकतों को कबूल करने वाला अगर यहां रुका, तो मैं समझूंगा कि वो ही मेरे साथ है।
उसे ये भुलाकर अपनी गोद में उठा ले कि ये आपके सौतन का बच्चा है। इसे अपनी करीस का बेटा समझ के गोद में ले और दुआ दे दे इसे सरकार की औलाद समझ के गोद में उठा ले। आपका है बीबी मुर्शिद, इसे ये भुलाकर अपनी गोद में उठा ले कि ये आपके सौतन का बच्चा है। इसे अपनी करीस का बेटा समझ के गोद में ले ले और दुआ दे दे सरकार की औलाद समझ के गोद में उठा ले। आप इसे उठाएगी तो ये मौत पर हो जाएगा।
हैं।